सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि RVA जो है वो U1 माइनस U2 होगा और RVS जो है वो V2 माइनस V1 होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है इसमें अप्रोच कर रहा था, ये बिफोर कोलिजन की बात है और ये जो है वो आफ्टर कोलिजन की बात है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या हम लोग अलग अलग सिचुएशन में RVS और RVA निकाल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए M1 मास का ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है और ये M2 मास का ऑब्जेक्ट है जो इधर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अप्रोच हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है, क्या ये आइडेंटिफाई हम लोग कर पा रहे हैं? क्या यहाँ पे M1 जो है वो M2 की ओर जा रहा है, अप्रोच हो रहा है? तो यहाँ पे रिलेवेंट वर्ड क्या, RVA की RVS? यहाँ पे जो रिलेवेंट वर्ड है वो है RVA, अप्रोच हो रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्यों? ये M1 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसके रिलेटिव इसकी तरफ आगे की ओर अप्रोच कर रहा है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनना। दूसरा मान लेते हैं हम लोग M1 मास है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड इसको दे दें और दूसरा बॉडी जो M2 मास है उसको हम लोग 12 मीटर पर सेकेंड दे दें। तो अब हम लोग सोचेंगे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या होना चाहिए, सेपरेशन हो रहा है कि अप्रोच हो रहा है? इसमें हम लोग को दिख रहा है कि ये जो M2 है वो M1 से दूर भागा जा रहा है ना, भागा जा रहा है। तो जब दूर जाएगा तो उस समय सेपरेशन होगा और ये जो सेपरेशन है वो RVS, इसका जो रिलेवेंट वर्ड है वो RVS होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में कितना हो जाएगा, कितने वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, 12 माइनस 5, तो 7 मीटर पर सेकेंड इसमें RVS हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वॉल का एक दो एग्जाम्पल लेके हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को अच्छे से समझें। जैसे हमारे पास एक वॉल है, मान लेते हैं ये वॉल है और इसकी तरफ एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये वॉल इधर 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ RVA हो रहा है कि RVS, क्या दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं? अप्रोच कर क्या रहे अप्रोच कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं इसका मतलब है कि RVA रिलेवेंट वर्ड है। तो यहाँ का RVA जो होगा वो क्या होगा, 3 मीटर? हाँ, 3 होगा कि 7 होगा, ध्यान से सोचो। So, ये दोनों एक बहुत दूसरे करीब आ रहे हैं। करीब आ रहा है क्या, ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो ऐड होगा, है ना, सेवन मीटर पर सेकेंड होगा। तो RVA जो हो गया वो 7 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारे पास RVA और RVA निकालना सीखे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि वॉल इस तरह का है, बॉडी इस तरह से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये वॉल इस तरह ही आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बताएं कि अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? वही तो पहला, टकराएगा, टकराएगा, है ना, टकराएगा, कोलिजन होगा तो अप्रोच हो रहा है, अप्रोच होगा, अप्रोच हो रहा है तो अप्रोच। देखिए ध्यान से, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। इस 2 मीटर पर सेकेंड के तो कारण अप्रोच नहीं हो रहा है। अगर ये वॉल यहीं पे होता, ये वॉल अगर यहीं होता और वॉल मूव नहीं कर रहा होता और ये केवल ऊपर जाता, क्या ये दोनों टकराता? नहीं टकराता। तो इस 2 मीटर पर सेकेंड का कोई रोल रोल ही नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में, नहीं है। तो ये कंपोनेंट हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग क्या किए, पहले 1D का एग्जांपल लिया, अब इसमें जो है 2D आया है ना, दोनों में मोशन हो रहा है, एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि दोनों कॉम्पोनेंट रहता है। मान लेते हैं हमारे पास ये वॉल है और वॉल स्टेशनरी, एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड से हम लोगों ने कुछ एंगल पे भेज दिया है। ये एंगल मान लो 37 डिग्री है ना, कुछ एंगल 37 डिग्री है। अब पूछा जाए कि अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, बताओ टकराएगा कि नहीं? टकराएगा, ये तो पक्का है। जैसे ही पता चल गया कि टकराएगा मतलब अप्रोच हो रहा है। अच्छा, किस किस वेलोसिटी से अप्रोच होगा, तो पहले इस वेलोसिटी का क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। तो इधर कंपोनेंट आएगा cos 37 और इधर जो कंपोनेंट आएगा sin 37। तो इधर cos 37 आएगा, 5 × cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37, cos 37 कितना होता है याद है, 4/5। cos 37 कितना होता है, 4/5, 5 × 4/5, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इधर वाला वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और इसमें भी निकालेंगे तो ये 5 × 3/5 आएगा। यहाँ पे cos 37 आएगा और इधर आएगा sin 37। तो sin 37 5 × 3/5 और 5 से 5 कैंसिल होगा तो वी विल गेट 3। तो 3 मीटर पर सेकेंड इधर हो गया और इधर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसको अलग से यहाँ पे दिखा रहे हैं बॉडी का फिर से। तो बॉडी में देखें हम लोग, यहाँ पे वॉल है हमारा
और इधर हम लोग का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया 4 मीटर पर सेकेंड आया है, और इधर जो कंपोनेंट आया वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड का अप्रोच में कोई रोल नहीं है, केवल 4 मीटर पर सेकेंड का है, इसीलिए यहाँ पे RVA जो होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में वॉल का भी वेलोसिटी दे दे इधर ऐड हो जाएगा, या वेलोसिटी वॉल का इधर दे दे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वॉल का वेलोसिटी अगर 4 से ज़्यादा हो गया इस केस में, जैसे 4 से ज़्यादा स्पीड से जा रहे तो सेपरेशन होने लगेगा। तो क्या इस तरह से अलग अलग केसेस में हम लोग सेपरेशन हमेशा ग्रेटर होना चाहिए? हाँ, ग्रेटर मतलब जो आगे जा रहा है वेलोसिटी, जो बॉडी आगे जा रहा है वो तेज वेलोसिटी से जाएगा तो सेपरेशन होने लगेगा, तो वो आफ्टर कोलिजन होगा। तो क्या अलग अलग सिचुएशन में हम लोग RVA और RVS निकाल पाएंगे? तो RVA और RVS अगर निकाल पाएंगे तो E भी निकाल पाएंगे। क्या E का वैल्यू समझ में आए? अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोलिजन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, क्या लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग पहले टाइप्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, पहले टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक। तो सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है सर? हेड ऑन और ऑब्लिक टाइप्स नहीं है? हाँ, हेड ऑन और ऑब्लिक टाइप है, और उसके अलावा वो बेस्ड ऑन यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि ये हेड ऑन कोलिजन और बेस्ड और ऑब्लिक कोलिजन हुआ, और पढ़े थे टाइप्स इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। तो ये 3 टाइप का कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। हम लोग इसको क्या करेंगे, अब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कोलिजन। वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन के कौन कौन से टाइप्स हैं और किस किस तरह से हम लोग इसमें हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टाइप जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये सब हेड ऑन का टाइप है, जितना भी है हम लोग एकदम 1D कोलिजन देखेंगे। एक लाइन के अलोंग बॉडी आएगा और एक लाइन के अलोंग ही स्ट्राइक करेगा और एक लाइन के अलोंग ही जाएगा। तो हेड ऑन कोलिजन के अलग अलग पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन, दिस इज इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझे, एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में होगा क्या कि ऑब्जेक्ट जो दोनों कोलाइड करेगा, आफ्टर कोलिजन दे विल एक्वायर, दे विल गेट द सेम शेप, दे विल हम लोग ने पढ़ा था कि जब कोलिजन होता है तो एक पार्टिकल आया M1 मास का, मान लो ये इधर आया, और M2 मास का पार्टिकल इधर आया, तो ड्यूरिंग कोलिजन उनमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और ये डिफॉर्मेशन अगर पूरी तरह से आफ्टर कोलिजन ये दोनों अपने शेप को रीगेन कर लें तो ये जो कोलिजन कहलाता है वो क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन। क्या कहलाता है, ये अपने शेप को इसमें पूरी तरह रीगेन कर लेगा, कंप्लीट रीगेन। तो होगा क्या कि शुरुआत में इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मिला के मान लेते हैं शुरू में काइनेटिक एनर्जी है K1 दोनों मिला के। अब इस समय क्या होगा, इस समय कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K-, इस समय काइनेटिक एनर्जी K1 जो होगा K- के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में चला जाएगा, इनके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा इनके बॉडीज़ में। लेकिन जब ये वापस आएंगे तो इन दोनों का मिला के वापस फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो K1 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ इलास्टिक के फॉर्म में स्टोर हुआ था वो वापस आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मिल जाएगा हम लोग को, वापस मिल जाएगा। तो ये हम लोग का इसमें देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है कि शुरुआत का जो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो K1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो K2 है वो K1 इक्वल टू होगा K2। तो यही क्राइटेरिया भी होता है डिसाइड करने का विच कोलिजन इज इलास्टिक एंड विच कोलिजन इज इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि पार्टिकल्स मस्ट रीगेन द कंप्लीट शेप। तो पार्टिकल्स रीगेन देयर शेप कंप्लीटली, या हम लोग ये भी कह सकते हैं बॉडीज, है ना, पार्टिकल्स की जगह हम बॉडीज की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में तो हम लोग शेप की बात नहीं करेंगे, लेकिन बॉडीज जो होंगे उसमें वो अपने अपना पूरा पूरा शेप क्या कर लेंगे, कंप्लीटली रीगेन कर लेंगे, दे विल रीगेन देयर शेप कंप्लीटली। उस केस में हम लोग कहेंगे कि कोलिजन इज इलास्टिक। एंड अदर क्राइटेरिया इज कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बट नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. कारण क्या है? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी क्या रहता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है. तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन वो बराबर नहीं रहेगा. इज इट क्लियर? यहाँ तक एकदम सब लोगों को समझ में आया? अब ये चीज़ समझे हम लोग, अगर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, तो ये दोनों पॉइंट्स मेंशन कर देने से पूरा डेफिनेशन हो जाता है कि अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज कंप्लीटली रीगेन देयर शेप आफ्टर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. हम लोगों को ये मेंशन नहीं करने का जरूरत है उस डेफिनेशन में कि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल नहीं होगा, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है. बस इतना कह दें कि इन अ कोलिजन व्हेन काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन जो होगा वो क्या कहलाएगा? इलास्टिक कोलिजन. बस इतना ही लिखने से डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हो जाता है. सो अब हम लोग देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉलो करता है इलास्टिक कोलिजन. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ये फॉलो करता है, क्या क्या चीज ये फॉलो करेगा जो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा. तो पहला तो है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. अब हम लोग जानते हैं कि हर तरह के कोलिजन में ऐसा होता है, हर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है. टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हम लोग लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड. मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव. फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. जो फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं वो कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है. फोर्थ प्रॉपर्टी है टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा. तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता है. जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ई का वैल्यू इसमें वन होगा. मतलब कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा वो इसमें कितना होगा? वन. मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आर वी एस बाई आर वी ए ये इक्वल टू वन होगा. मतलब हम ये कहें कि आर वी एस इक्वल टू आर वी ए. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जितना वेलोसिटी से वो लोग पहले अप्रोच कर रहा था बिफोर कोलिजन, उतना ही वेलोसिटी से वो लोग सेपरेट करेगा आफ्टर कोलिजन. तो आर वी एस शुड बी इक्वल टू आर वी. आर वी एस का एक्सप्रेशन याद है जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, उसमें एक्सप्रेशन जो था वो वी टू माइनस वी वन था, और आर वी ए का जो एग्जांपल है उसमें यू वन माइनस यू टू था. तो ये चीज़ें अगर उसी तरह से ली जाए जिस तरह से हमने पहले एग्जांपल में लिया है, तो आर वी एस इक्वल्स टू आर वी ए या वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू यू वन माइनस यू टू आएगा. दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इलास्टिक कोलिजन में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है. इज इट क्लियर? यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? तो हम लोग अब कुछ इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसका डेरिवेशन करके देखते हैं. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि ई का वैल्यू वन. ई का वैल्यू हम लोगों ने वन लिखा. तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट E इज इक्वल टू वन फॉर इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना होगा? वन होगा. ये हम लोग को प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. हम लोग का जो पहला दोनों प्रॉपर्टी है
पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, ये दोनों यूज करके हम लोग इक्वल टू वन प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी देखते हैं। मान लेते हैं कि बिफोर कोलिजन हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है, एम वन मास का बॉडी है जो कि यू वन वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा है एम टू मास का बॉडी जो यू टू वेलोसिटी से जा रहा है। फॉर अप्रोच यू वन मस्ट बी ग्रेटर देन यू टू, मतलब आर वी ए का जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों ने लिखा है यू वन माइनस यू टू, ये पहले भी लिखा हुआ है देखो ध्यान से, यू वन माइनस यू टू। और दूसरा जो है आर वी एस का कंडीशन देखते हैं, तो ये हमारा मास एम वन है जो कि आफ्टर कोलिजन वी वन वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा मास है एम टू जो आफ्टर कोलिजन वी टू वेलोसिटी से जा रहा है। यही दोनों मास यहाँ पे आया है, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। तो इसमें देखें हम लोग सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन जो हो रहा है उसमें हम लोग लिखेंगे हम लोग का वी टू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन वी वन होना चाहिए, ये बहुत तेजी से आगे जाएगा तभी सेपरेट हो पाएगा। तो वी टू अगर ग्रेटर देन वी वन है तो हम लोग यहाँ आर वी एस का जो वैल्यू लिखेंगे इस केस में वो क्या लिखेंगे, वी टू माइनस वी वन। पहले भी हम लोगों ने लिखा वी टू माइनस वी वन है ना, यही से यही एग्जाम्पल लेके लिखे थे। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि आर वी एस इक्वल टू आर वी ए होगा। अगर आर वी एस इक्वल टू आर वी ए प्रूफ हो गया तो इक्वल टू वन प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट हाफ एम वन यू वन स्क्वायर। यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जीज के पास है एम वन यू वन, तो हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाफ हाफ सारे टर्म्स में है जो कि कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए M1 और M1 वाला जो ये दोनों टर्म है दोनों को एक साथ ले आएंगे, और M2 वाला जो दोनों टर्म है उन दोनों को एक साथ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये M1 माइनस M2 इंटू यू वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू ये जो होगा इसमें U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर कॉमन आएगा है ना। इसको अगले स्टेप में देख लेते हैं, इसको हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये हम लोग लास्ट एक्सप्रेशन फिर से लिख लें इसको, एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। यही लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग का आया था। इस लास्ट एक्सप्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले दोनों टर्म को एल एच एस में ले आ रहे हैं और इन दोनों टर्म को आर एच एस में ले जा रहे हैं, तो एम वन कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर इक्वल टू इधर वाले टर्म से एम टू कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन वन अज्यूम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट एम वन यू वन, ये एम वन मास का शुरुआत का मोमेंटम, एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। इज इट क्लियर? फिर से वही काम करें, एम वन वालों को एक साथ कर लें और एम टू वालों को एक साथ कर लें, तो आ जाएगा एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू है ना। कुछ गड़बड़ किए, कुछ गड़बड़ किए ना, यहाँ पे ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर, ये यू वन स्क्वायर और ये वी वन स्क्वायर, ये वी टू स्क्वायर और ये यू टू स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा इस तरह से है ना। चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इस तरह से है, ये जब इधर से आएगा तो वी वन स्क्वायर जो होगा वो माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा
और ये जो वी टू स्क्वायर है वो माइनस यू यू टू टू स्क्वायर है स्क्वायर ना, ये यू टू स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करें कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, टू, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एम वन और एम वन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई यू वन माइनस वी वन इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर बाई यू वी टू माइनस यू टू, ये आ गया। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और ये माइनस बी है, तो यहाँ पे केवल ए प्लस बी बचेगा, यू वन प्लस वी वन इक्वल टू वी टू प्लस यू टू, ये वाला आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसको आर वी ए और आर वी एस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यू वन माइनस यू टू, यही आर वी ए था तो यू टू को इधर ले आएंगे, तो यू वन माइनस यू टू हो जाएगा इक्वल टू वी टू माइनस वी वन हो गया। यही क्या हमारा आर वी ए था, ये हमारा आर वी ए इक्वल टू आ गया आर वी एस, अगर इधर ले आएंगे तो यही हो जाएगा इक्वल टू वन। इज इट क्लियर? तो ये प्रूफ है किसका, आर वी एस इक्वल टू आर वी ए यानी इक्वल टू वन का। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन जो है वो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जो होता है वन होता है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया।